डिक्टेशन अभी 5 सेकंड में चालू होगी। ओपी शुक्ला भाग 8 अभ्यास संख्या 41। सभापति महोदय, मैं आज इस वित्तीय विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और उस पर अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूँ। पैरा, हमारे दल की ओर से और विरोधी दल की ओर से इस विधेयक के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। मैंने उन बातों को ध्यान से सुना है और उन पर गौर किया है। जहाँ तक देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी मात्रा में इस विधेयक के द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत सोच समझ कर इस बिल को प्रस्तुत किया है और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो कुछ भी संभव हो सका है वह उन्होंने करने का प्रयास किया है। अपने सीमित साधनों को देखते हुए यह प्रस्ताव सराहनीय है, जिसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूँ। पैरा महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए मैं एक बात आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि और वह यह है कि जहाँ वहाँ के ज़्यादातर लोग खेती करने वाले हैं, खेतिहर मजदूर हैं, वहाँ पर कोई बड़ा उद्योग भी नहीं है। जो छोटे छोटे उद्योग वहाँ पर चल रहे हैं उनसे वहाँ की समस्या हल होने वाली नहीं है, इसलिए मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए वे अधिक उद्योगों की व्यवस्था करें ताकि वहाँ का विकास हो सके। पैरा, इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में गंडक योजना केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अगर उसमें बिजली पैदा करने की योजना जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगेंगे और वहाँ का विकास होगा। पैरा, श्रीमान, उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें बहुत अंधाधुंध तरीके से बनाई गई हैं। वहाँ का किसान गन्ना भी पैदा करता है और उस गन्ने को ले जाकर वह चीनी मिलों को दे देता है, लेकिन वह यह खेद की बात है कि जितनी मेहनत करके किसान गन्ना पैदा करता है उसका एक तो उसको उचित दाम नहीं मिलता। यदि वह गन्ने को खेत में ही पड़ा रहने देता है तो उसकी दूसरी फसल मारी जाती है, तब वह गन्ना उसे बहुत
महंगा पड़ता है, जिसका दाम उसे नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही उसको साल साल भर तक गन्ने का भुगतान नहीं किया जाता है, इसलिए वहाँ पर सहकारी मिलें बनाई जाएं तो वहाँ के गन्ना बोने वाले किसानों को लाभ होगा। पैरा महोदय, एक बात, मैं सोने पर जो सरकार ने नियंत्रण किया है उसके बारे में भी कहना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में यह निर्णय जो सरकार ने किया है व्यवहारिक नहीं है। जो सुनार हैं उनके पुनर्वास के लिए हम तरह तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन सोने की तस्करी भारी मात्रा में हो रही है। स्टॉप।